अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रथम नगर आगमन पर कानपुर नगर और देहात के संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और साथियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से वार्ता की और संगठन के सभी सजातीय साथियों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में एक जाति विशेष को राजनीतिक द्वेष भावना से ग्रसित होकर प्रदेश की वर्तमान सरकार में अधिकारियों द्वारा उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाए जाने, प्रताड़ित किए जाने और एनकाउंटर किए जाने का पुरजोर विरोध करते हैं और संगठन के सभी साथी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में इस तरह की होने वाली किसी भी घटना का वो संज्ञान ले और निडर होकर विरोध करें। प्रदेश नेतृत्व निडरता से साथ में है। नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस के माध्यम से सरकार के अधिकारियों को चेताया कि भविष्य में यदि इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यपाल को इस आशय का ज्ञापन दिया जाएगा और विरोध में प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर मनोज यादव राष्ट्रीय महासचिव, सूर्यपाल सिंह प्रदेश महासचिव, रामकरण सिंह यादव एडवोकेट यादव, इंद्र प्रताप सिंह यादव प्रदेश महासचिव, अमर बहादुर यादव, अशरफी लाल यादव, प्रदीप यादव, ब्रजबिहारी यादव, राघवेंद्र यादव, ज्ञानेंद्र यादव जिलाध्यक्ष, सुधीर सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक यादव है, मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, मेरी लॉ फर्म है और यादव अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा से पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल जमीन से लेकर मैं जिले में भी रहा अपने में, गाजियाबाद मेरा निवास है और दिल्ली में मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं वहाँ से जुड़ते हुए मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, अध्यक्ष रहा, यूपी का लीगल सेल का यादव महासभा का अध्यक्ष भी रहा। मैं फिलहाल राष्ट्रीय महासचिव हेड ऑफिस इंचार्ज भी हूँ और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे अतिरिक्त दी गई है। ये दोनों पद हैं इस समय। कानपुर आगमन आपका हुआ है, यादव समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यादव समाज इकट्ठा रहे और समाज के लिए काम करे, आपस में सामंजस्य बनाने के साथ साथ हम दूसरे जातियों के साथ भी सामंजस्य बना के रहना चाहिए। हम लोग हमारी जिम्मेदारी होती है, एक बड़ी जाति होने के नाते हमें बड़े भाई का फर्ज निभाना चाहिए और हमें छोटे भाइयों की तरह सबको अपने साथ लेके चलना है। यादव महासभा का कार्यक्रम कानपुर में कई होते हैं, समस्याएं आ रही हैं, गुटबाजी की समस्याएं आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखा जाए तो हमारे बीच में कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, कोई काम किसी तरह करना चाहता है, कोई किसी तरह करना चाहता है, काम सबके लिए बराबर है, लेकिन है सब एक। हमारा उद्देश्य सबका एक है, समाज के लिए काम करो और वैसे भी हम एक है, हमारे आप मधुर संबंध एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे हैं। समाजवादी पार्टी का टैग यादव पे लगा हुआ है, अब राजनीतिक बात मैं नहीं कह पाऊंगा, ना मुझे उसमें करनी चाहिए। हमारा काम है समाज का उत्थान करना और रही ये राजनीतिक बातें कि भाई यादव का टैग समाजवादी पार्टी है, अब क्योंकि सब लोग वोट उन्हें देते हैं, ज़्यादातर वोट उन्हें देते हैं तो ये टैग तो लगना भाई, लेकिन उनके पास हमारी खाली यादव वोट से नहीं जीत सकते वो भी। क्या यादव महासभा लोग भी चाहिए आने वाले समय में यादव महासभा का कोई बड़ा प्रोग्राम करेगा? हाँ, होते रहेंगे प्रोग्राम, मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है पूरे समाज को जोड़ के चलने पड़ेगी, तो जगह जगह हम लोग प्रोग्राम करेंगे पूरे प्रदेश में।